इस वीडियो में हम फाइट्स ब्रेक स्पीयर के तीनों पार्ट्स का रिव्यू करने वाले हैं जो एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवीज है। इन मूवीज की कहानी बैटलची की शक्ति और एक फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में है, जिनमें से पहला पार्ट बैटलची की शक्ति के ऊपर फोकस करता है। पार्ट वन में एक लड़के के पास बैटलची की शक्ति है जिसे वो कंट्रोल करना सीख रहा है। उसकी माँ उसे सब कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ बुरे लोग भी हैं जो इस शक्ति के पीछे पड़े हैं। पार्ट वन जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से पार्ट टू शुरू होता है, जिसकी कहानी ज़्यादातर रेगिस्तान में है। पार्ट टू में स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है और पार्ट टू के एंडिंग में हमें बैटल भी देखने को मिलती है। पार्ट टू के एंडिंग में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जो पार्ट थ्री देखने के लिए ज़रूरी है। पार्ट थ्री में भी हमें कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और पार्ट थ्री में कहानी को ख़त्म किया है। तो दोस्तों, इन मूवीज़ की कहानी काफ़ी टिपिकल है जो हमने इससे पहले बहुत बार देखी है। हालांकि इनका प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक यूनिक है, जिसकी वजह से हम इन्हें देख पाते हैं। तीनों पार्ट्स का डायरेक्शन डिसेंट है, जहां पर हम डायरेक्टर के विजन को समझ पाते हैं। मतलब सब कुछ ग्रैंड स्केल पर दिखाया है और इन मूवीज़ की प्रोडक्शन डिजाइनिंग भी अच्छी है। परफॉर्मेंसेस कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगते हैं, लेकिन आपको परेशान भी नहीं करते। कैरेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश तो की है, लेकिन किसी भी कैरेक्टर के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते। इसकी वजह से हम कैरेक्टर्स के लिए केयर नहीं कर पाते और कहानी के साथ भी कनेक्शन फील नहीं होता। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। इन मूवीज़ को आप देख तो पाते हो, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये जानने की एक्साइटमेंट नहीं रहती। तीनों पार्ट्स का टोन लगभग सेम है, हालांकि पार्ट टू ज़्यादा एडवेंचरस लगता है। तीनों पार्ट्स के विजुअल इफेक्ट्स मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन वो ख़राब भी नहीं थे। मतलब कम से कम जो कुछ भी आप देख पा रहे हो उस पर आप यकीन कर पाते हो। लेकिन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत बढ़िया है। जहाँ पर भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज़ किया है वो सीन्स काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगते हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से प्रोडक्शन डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है और सिर्फ इन्हीं की वजह से आप इन मूवीज़ को पूरा देख पाते हो। अगर इन मूवीज़ की राइटिंग की बात करें तो राइटिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि कहीं पर भी हमें इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता। मतलब ये मूवीज़ बस चलती जाती है और आप उन्हें देखते जाते हो। हाँ, इन मूवीज़ में आपको एडवेंचर ज़रूर देखने को मिलेगा और बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स भी। हालांकि विजुअल इफेक्ट्स अच्छे ना होने की वजह से क्रिएचर वाले सीन्स आपको रियलिस्टिक नहीं लगेंगे। बाकी एक्शन सिक्वेंसेज भी मुझे सिर्फ ठीक लगे, वहाँ पर भी आपको कुछ यूनिकनेस देखने को नहीं मिलता। इन मूवीज़ का स्क्रीन प्ले अच्छा है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। सिनेमाटोग्राफी मुझे सिर्फ ठीक लगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ब्यूटीफुल सीन्स भी देखने को मिलेंगे। जंगल वाले या फिर रेगिस्तान वाले सीन्स कुछ लोगों को एंटरटेनिंग लग सकते हैं। हिंदी डबिंग मुझे पसंद नहीं आई और पार्ट थ्री तो मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज में ही देखा। प्रो ऑडियंस को ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये एंटरटेनिंग मूवीज साबित हो सकती है। इन मूवीज़ में कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो इन्हें आप फैमिली के सामने भी देख सकते हो। ओवरऑल अगर आपको एडवेंचर फैंटेसी मूवीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि विजुअल इफेक्ट्स अच्छे नहीं है और स्टोरी भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें।